नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये इटली के पेपर्स को लेकर के, कुछ कमेंट्स मेरे वीडियो पर आ रहे थे तो उन कमेंट्स का जवाब है वो वैसे मैंने दे दिया था, लेकिन फिर भी एक छोटा सा वीडियो बना करके भी आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं वो ये पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर कोई सेटिंग से भी पेपर निकलवा सकता है क्या? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपका फॉर्म है वो, जैसे इस बार 27 तारीख को फॉर्म जमा हुए तो आपका फॉर्म है वो 27 की जगह 30 को भेजा गया, 27 वालों के निकल ही नहीं रहे और 30 वाला है वो किसी को सेटिंग करवा कर या पैसे दे करके अपना निकलवा लेता है। ऐसा कभी नहीं होता यहाँ पर। जो अंदर बैठते हैं, जिस ऑफिस में लोग बैठते हैं, जिनके हाथों में ये पेपर होते हैं, जो ये पेपर देते हैं, वो अपने किसी निजी आदमी का, अपने परिवार का या खुद का भी चाहें तो भी वो ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि सारा डेटा जो है वो सिस्टम पर होता है, वो डेटा सारा ऑनलाइन होता है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि फाइलें पड़ी है, किसी ने किसी की निकाल ली, कर दिया काम, ऐसा नहीं होता। सारा सब कुछ कंप्यूटर पर लगा होता है। और फिर ये नहीं है कि एक ऑपरेटर जो काम कर रहा है वो ही वो काम करेगा सदा। आज वो काम कर रहा है, थोड़ी देर बाद में उस पर दूसरा आदमी काम करेगा, वो देखेगा कि इस लिस्ट में 1 2 3 तीन तक निकल गए, उसके बाद में ये 11वें नंबर वाले का कैसे निकल रहा है, 4 5 6 7, इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो उसकी जवाबदेही बन जाती है फिर बाद में। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा होना इम्पॉसिबल है, मेरी जानकारी तो यही कहती है। बाकी कोई ये दावा करता है कि वो निकलवा सकता है, तो ऐसा कोई आदमी हो तो मुझे मिलवा दीजिए उससे, मुझे नहीं लगता कि ये काम होता है यहाँ पर। हाँ, क्या हो सकता है कि जैसे आपका नंबर आ गया तो आपका लेटर है वो ऑफिस वाले भेजेंगे 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद में, आपकी जानकारी है तो वो 10 5 दिन का इंतजार है, वो आप कम कर सकते हैं, वो लेटर आप वहां पर जाकर के डायरेक्ट ले सकते हैं। आपकी जानकारी है तो आप पूछ सकते हैं बार बार जाकर के, जानकारी नहीं है तो एक बार जाएंगे दो बार जाएंगे फिर बाद में मान लो आपको कोई रिप्लाई नहीं दे। जानकारी हो तो कोई छोटी मोटी कमी, इतना हो सकता है कि ये कोई कर सकता है कि कोई छोटी मोटी कमी है उसको इग्नोर कर दें, इतना हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सेटिंग से कोई पेपर ही निकलवा दे जिसका नंबर ही नहीं आया हो, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। एक और सवाल था लोगों का कि टाइम पर जाने से कुछ नहीं होता, पेपर सही होने चाहिए। बात आपकी भी सही है, जो फॉर्म भर रहे हैं, जो मालिक फॉर्म भर रहा है उसके पेपर सही होने चाहिए, लेकिन वही है आप कह रहे हो कि टाइम पर जाने से कुछ नहीं होता, पेपर सही होने चाहिए। सेम बात लागू होती है कि पेपर सही होने से ही कुछ नहीं होता, टाइम पर जाने भी चाहिए। तो दोनों चीजें जरूरत है, पेपर भी सही हो और टाइम पर भी जाए। आपके पेपर सही हैं लेकिन आपने भेजा 1 महीने बाद में, तो आपके नहीं निकलेंगे पेपर चाहे कितने ही सही हो। आपके पेपर गलत है और आपने सबसे पहले भेज दिया तो भी आपके नहीं निकलेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज है कि पेपर भी सही हो और टाइम पर भी जाए, दोनों चीजें होंगी तभी वो निकलेंगे। हाँ, ये है कि आपके पेपर में कमी है लेकिन टाइम पर आपका चला गया, तो आपका जब नंबर आएगा तो आपको लेटर भेजेंगे कि आपके ये कमियां हैं, इनको पूरी कर दीजिए। आप जिसके भी कमी होती है, चाहे वो एकदम से ही सारी कमियां हों, फिर भी उसे एक अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी एप्लीकेशन के अगेंस्ट है वो पेपर दे करके और उसे सही कर सके। ऐसा नहीं है कि उसे रिजेक्ट कर देते हैं। एक बार वहां से लेटर आता है कि आपके पेपर में इतनी कमियां हैं, आप चाहो तो इनको पूरी कर दीजिए, नहीं करेंगे तो फिर वो रिजेक्ट होना ही है। तो टाइम पर भी जाना चाहिए, पेपर भी सही होने चाहिए। और बाकी मैं तो सदा ये मानता हूं कि सबसे बड़ी चीज होती है वो किस्मत होती है। जिसको यहां पर आना है उसकी यदि किस्मत सही होती है तो वो टाइम पर भी चला जाता है और पेपर भी सही हो जाते हैं उसके और निकल भी जाते हैं। जिसके आने की किस्मत ही ठीक नहीं हो, समय नहीं हो ऐसा कि वो आ सके यहाँ पर, तो फिर बाद में टाइम पर चला जाता है तो पेपर में कमी आ जाती है, पेपर सही होते हैं तो टाइम पर नहीं जाता, कुछ भी कारण होते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ सही लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि यहाँ पर सही जानकारी दी जाती है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और हाँ नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताइए और इसको आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।